निकलेगा इस तरह पैकिंग में होगा, इसको मैं जल्दी से खोलता हूँ। ये मैनुअल निकलेंगे, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, वरना आजकल तो सब कोई भी बिना पढ़ता नहीं है इन चीज़ों को, बिना पढ़े ही अपने जो है सेटअप को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको मिलने वाला है एक इस तरह से डीवीआर मिलेगा दोस्तों, ये धौआ का डीवीआर है, ये देखिए इस डीवीआर ये पोर्ट में लेंगे जिसमें हम चार कैमरे चला सकते हैं, इसको चार चैनल का डीवीआर बोला जाता है। और दोस्तों इसमें ये आपको दो ऑडियो पोर्ट मिलेंगे, एक इन ऑडियो होता है, एक ऑडियो आउट होता है, ठीक है दोस्तों। ये यूएसबी पोर्ट होगा, ये एचडीएमआई पोर्ट होगा। अगर हमें डिस्प्ले पर कनेक्टिविटी करनी है तो अगर हमें आप एचडीएमआई पोर्ट से कर सकते हैं और बीजे केबल से कर सकते हैं दोस्तों। ये लैन केबल के लिए पोर्ट दिया है, ये पावर पॉइंट दिया है इसका दोस्तों, ये दोनों यूएसबी दिए हैं, इसमें हम माउस पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ इसके अंदर और हमें क्या मिलने वाला है। दोस्तों इसमें हमें एक डाटा साटा केबल मिलने वाली है जिससे हम अपने डीवीआर के अंदर हार्ड डिस्क को कनेक्टिविटी करेंगे। दोस्तों एक हमें पावर एडेप्टर मिलने वाला है जिससे हम अपने इस डीवीआर को पावर देंगे, जो कि ये पावर 12 वोल्ट का होने वाला है। ये इसमें जो हमें पेस मिलेंगे जिससे हम हार्ड डिस्क को इसमें कसेंगे डीवीआर के अंदर। दोस्तों एक हमें माउस मिलने वाला है जिससे हम इसे ऑपरेट करेंगे। थैंक यू। दोस्तों ये मेरी हार्ड डिस्क निकल आई है। हमें क्या करना है, जब हम इसको अपने डीवीआर में लगाएंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना ये डैमेज नहीं होनी चाहिए, अपने आराम से इसको खोल लीजिएगा आप। इसमें कोई मैनुअल नहीं निकला है, आपके इसके हार्ड डिस्क में सब कुछ लिखा होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी हमें कोई बहुत बड़ा इसमें काम नहीं करना है, मैं आपको सिंपल इस तरीके से बता दूंगा। इसमें हमें डाटा साटा का पॉइंट लगाना है और डीवीआर में कनेक्टिविटी कर देनी है, जो कि मैं अभी दोस्तों डीवीआर में अपने हार्ड डिस्क को हम किस तरह से लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, हमें डीवीआर के चारों पेज खोल लेने हैं, तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी खोल देता हूँ ये सारे चारों पेजों को। ये चारों पेज खोल लेने जल्दी जल्दी। दोस्तों हार्ड डिस्क के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये अपने जो डाटा साटा वाली केबिन है ये हमें हार्ड डिस्क में कनेक्टिविटी कर लेनी है। इस तरह से मैंने जो लगाया है ये देख लेना आप कहाँ से पॉइंट हमारा सीधा उल्टा है, इसको अच्छे से देख के और इसमें लगा लीजिएगा दोस्तों। ये दोस्तों मैंने देखो अपने दोनों डाटा साटा लगा लिए हैं इसमें। डाटा साटा लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको हार्ड डिस्क को यहाँ रखना है, ये हार्ड डिस्क को इस तरह से रख देना दोस्तों। और ये डाटा वाला, ये डाटा और साटा इसमें लगा देनी है दोस्तों। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इनमें डाटा साटा लगाने के बाद इस तरह से लगा देनी है। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ जो स्क्रू मैंने आपको दिखाए थे इससे पहले, वो स्क्रू हम यहाँ कस देंगे। ये अपने जो चारों पॉइंट देख लेने हैं इन पर स्क्रू लगाने के लिए, तो यहाँ से स्क्रू लगा देंगे इस तरह से। तो दोस्तों मैं स्क्रू नहीं लगा के दिखा रहा हूँ, आप अपनी वीडियो अपने जो है कहीं भी आप सेटअप करो तो अपना स्क्रू यहाँ लगा लेना, ठीक है। बाकी मैं ये बंद कर देता हूँ दोस्तों। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसका हमें सेटअप किस तरह से करना है। इसका जो सेटअप करेंगे दोस्तों, हम जब न्यू सेटअप इसका स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्ले पर क्या आएगा, ये मैं आपको डिस्प्ले की कनेक्टिविटी करना और इसकी न्यू सेटअप की बता देता हूँ। तो इसके चारों पेज ये देखिए दोस्तों, मैंने ना अपने ये एचडीएमआई पोर्ट लगा दिया है इसमें, ये अपना माउस भी लगा दिया है, ये मैंने माउस लगा दिया है इसमें, देखो माउस में पावर आ गई है और ये पावर इसको दे दी है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले पे इसकी कैसा व्यू आने वाला है और क्या कनेक्टिविटी हमें करनी है इससे आगे, क्या पासवर्ड वगैरह हमें मांगेगा, तो जो हमें कनेक्ट करने हैं। अपना HDMI जो हमने लगाया हुआ है वो HDMI अपना पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का व्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमसे ये पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो हम अपने पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों आप जो भी अपनी मर्जी है, आप कोई भी पासवर्ड अपनी मर्जी से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पासवर्ड याद रखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से पासवर्ड बनेगा। सबसे पहले क्या करना है इसमें, मैं तो दोस्तों पासवर्ड बना रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी का बना रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। admin@1233
तो दोस्तों आप भी इस तरह से ऊपर वाले में फिल करने के बाद नीचे फिल कर लीजिएगा, ए डी एम आई एन एट द रेट एट, ये आप इस तरह से सेटअप अपना कर लेना 1 2 3। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अगर आप पैटर्न लगाना चाहते हैं तो आप पैटर्न लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं लगा लेता हूँ पैटर्न, इस तरह से आप कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं जो आपका मन करे। और यहाँ पे जी अगर आपको ईमेल आईडी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेटअप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट सेटअप पर क्लिक करने के बाद आप सारे सेटअप को नेक्स्ट 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 करके मेन पेज पे कनेक्टिविटी कर लीजिएगा। इस तरह से आपका चालू हो जाएगा। अब दोस्तों जो मैं आपको DVR में चार पोर्ट दिखाए थे वो हम चारों कैमरे इस पर कनेक्टिविटी करेंगे तो ये डिस्प्ले जो हमारा धुआं धुआं लगा रहा है यहाँ, इस तरह से आपके सारे कैमरे ऑन हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।